बुरहानपुर में रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क वालों के चालान काटे गए। सीधी बस्ती चौराहे पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ये चालानी कार्रवाई की। बस स्टैंड पर भी कई बसों में यात्री बिना मास्क के पाए गए थे। शहर के चौराहों पर कई टीमों द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रोको टोको अभियान के तहत कुल 25 टीमें बनाई गई है, जो जिले भर में कोरोना के प्रति सख्ती से नियमों का पालन करवा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जिले में मास्क लगाना अनिवार्य किया है। यहाँ पर सिंधी बस्ती चौराहे पर जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाकर आ रहे हैं, उनको मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर उनसे 100 रुपये का चालान कटवाया जा रहा है। हमारे माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि लोग कोरोना के इतने टाइम के बाद इतनी घातक बीमारी को बहुत ही लाइटली लेते हैं और सबसे अभी वैक्सीनेशन अभी चालू हुआ है, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा हमारे पास हथियार मास्क ही है। तो मास्क पहनने के लिए मैं सबको जागरूक करता हूँ, सब लोगों को हम समझाइश भी देते कि मास्क जरूर पहनी है, क्योंकि अभी मास्क ही हमारी दवा है।